आवाज सुनाई दी है बंदर की, लग रहा है कि शेर हो सकता है यहाँ पर। सारी गाड़ियाँ देखो लाइन से लग गई हैं। क्लैप्स फॉर ड्राइवर अंकल एंड सही में ऐसी आवाज मजा आ गया भाई। यहीं पर हुई थी कॉलिंग उसकी और पीछे जाकर हमें आगे बढ़कर मिला टाइगर। तो सफारी के पिछले एपिसोड में भालू देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे टाइगर की खोज में। एवर ग्रीन है ये। अच्छा, ये हमेशा हरा भरा जंगल लाता है। कौन सा ट्री? शाल ट्री। अच्छा। अगर आप वाइल्ड लाइफ के साथ साथ नेचर लवर भी हैं तब तो आप कान्हा के जंगल में एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं हो सकते। जंगल इतना खूबसूरत लग रहा है, इतने बड़े बड़े पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़, मतलब ऐसा लग रहा है आकाश छू रहे हैं बिल्कुल। ऑक्सीजन प्योरेस्ट फॉर्म में अंदर जा रही है। जस्ट ब्रीथ फुटप्रिंट्स जो होते हैं यूजुअली ऐसे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन चूंकि अभी मॉनसून का वक्त चल रहा है, सब कुछ गीला गीला है, मिट्टी भी गीली है, तो फुटप्रिंट्स मिलना मुश्किल है अभी। लेकिन समर के टाइम में फुटप्रिंट्स ज़रूर मिल जाते हैं। उससे आप स्पॉट कर सकते हो कि कौन सा जानवर रोड से सड़क से गुजरा है। फ्रेश फुटप्रिंट्स होते हैं तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि टाइगर के हैं कि भालू के हैं, किसके हैं पता नहीं। काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। हम लोग को ऐसा लगा है कि कोई कॉलिंग सुनाई दी है, देखते हैं इधर कहीं से आवाज़ तो आई है। कुछ दूर आगे बढ़ते ही हमें एक हिरण के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, लेकिन शायद वो एक कॉल नहीं थी। देखो भाई, अगर इतने बड़े जंगल में शेर देखना है तो हर एक पल चौकन्ना रहना पड़ेगा। वैसे कहते हैं कि अगर आप जंगल में 100 बार शेर देखने गए हो तो हो सकता है कि आपको एक बार शेर देखने को मिल भी जाए, लेकिन यह बात पक्की है कि शेर ने आपको 99 बार जरूर देख लिया होगा। बच्चे वाली दोनों, ये नीलम भी है प्लस मैना दोनों है। अच्छा, लेकिन नीलम की फाइटिंग कम होती है। अच्छा, मेल में सबसे बेस्ट कौन है? मेल में तभी इसमें अंबन मिलता है। किसली जोन में अंबन। अच्छा, एम वन बजरंगी है, है? बजरंग आगे मिलता है, वो भी आपने कहा जोन में आता है वो बजरंगी। एक बार अग्रसर हुआ तो बजरंगी। इसका जो हेल्थ बहुत बढ़िया है, जो दीद बता रहा हूँ मैं आपको, अंबन का। अगर आपको टाइगर देखना है तो आपको जंगल में नीचे ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको लेपर्ड देखना है तो आपको नीचे और साथ साथ पेड़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लेपर्ड पेड़ पर ही रहते हैं। जंगल में सबको शांत रहना पड़ता है, और जिप्सीज भी जो होती हैं वो पेट्रोल वाली होती हैं पूरी, सो दैट ज़्यादा नॉइज ना हो। बता रहे थे। हाँ, कौन सा? यही है।
लाइट ग्रीन कलर का था जो, वो जो लाइट ग्रीन कलर का ट्री देखा आपने, उसको घोस्ट ट्री कहते हैं, और साल में 3 बार कलर चेंज करता है अपना। सो अमेजिंग यार, ये जो लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है वो है घोस्ट ट्री। मतलब कौन से कलर बदलता है वो? रेड ग्रीन और वाइट कलर हो जाता है। कितना अमेजिंग भी है नेचर अपने आप, कितना अमेजिंग और सरप्राइजिंग है। बारिश के दिनों में तो ये जंगल सुंदर हो ही जाता है, लेकिन साथ साथ जानवरों की सुंदरता भी और ज्यादा बढ़ जाती है। बरसात के पहले स्टार्टिंग वाली है। नहीं अभी भी मिल जाता है। नहीं मतलब नाचते हुए बहुत। बारिश का वक्त है तो मोर मिलना सुंदर लगता है, मोर को देखना, क्योंकि बारिश के वक्त जंगल बहुत खूबसूरत होता है, और मोर जब डांस करता है तो मैंने देखा हुआ, इसलिए मुझे याद है। यहाँ का सफर भी जीवन के सफर की तरह ही है, उतार चढ़ाव भरे टेढ़े मेढ़े रास्ते, कुछ आश्चर्य कर देने वाले नज़ारे तो कुछ निराश कर देने वाले पल, और साथ ही खुशी से लबरेज कर देने वाले मंजर भी। शेम क्या कह रहा है? जब तक मेरे को शेरू नहीं मिलेगा मेरा उपास। अगर अपने आप को मंजिल तक पहुंचते हुए देखना है तो चौकन्ना रहने के साथ साथ धैर्य रखना भी उतना ही जरूरी है। अब मंजिल पर तो हमारा कोई नियंत्रण है नहीं, तो अपना काम पूरी निष्ठा से करते हुए बाकी सब किस्मत पर छोड़ दो, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा तो कभी किसी को कुछ मिला ही नहीं है, तो फिर फिक्र किस बात की। के बीच में, झाड़ियों के बीच में सिर्फ टाइगर को दिख रही है, वो ऑरेंज और ब्लैक स्ट्राइप्स, उसी को ढूंढ रही है। तो टाइगर को देखने की हमारी अभिलाषा तो कान्हा के गेट में घुसते साथ ही शुरू हो गई थी, तो हमारी नजरें तो केवल उसी को ढूंढ रही हैं। और ये एक ऐसा नजारा है जिसका वर्णन मैं शब्दों में करना नहीं चाहता। लास्ट टाइम आए थे तो जिस स्पॉट पे हम लोग को टाइगर दिखा था वो बहुत बड़ा मैदान वाला एरिया था, 7 नंबर रोड बता रहे हैं वो, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है क्योंकि कल शाम को भी वहीं पर दिखा है, तो हो सकते हैं चांसेस कि वहाँ पर टाइगर दोबारा स्पॉट कर सकते हैं। ये कौन सा बर्ड था? वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। अच्छा, नहीं मिलेगा।
खिले खिले चाय का रही बैठा है, वही पानी पीने जाना है। वो बोल रहे चेहरे देखेंगे आप तो उनके अभी चेहरे जो है काफी जो है खिले हुए रहते हैं क्योंकि पानी और घास सब कुछ मिल रहा होता उनको। लेकिन जब उनको गर्मियों का सीजन आता है तो पानी पीने जाना है तालाब में, है ना, तो अब वो भी तालाब में जा रहे हैं और शेर भी तालाब में आएगा तो उनके चेहरे एकदम मुरझा जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता हो कि बहन दो आज प्यासे ही सो जाएंगे। हल्की हल्की ओस है, देखो धुंध है, इतना सुंदर है। जो घास देख रहे हो आप उसको बारहसिंगा खाता है, अभी तो काफी ऊंची ऊंची है। बड़े बड़े पेड़ लगे हुए रोड के साइड में फुटप्रिंट्स मिले हैं, ऐसा लग रहा है कि वॉक करके गया टाइगर। इस एरिया में जो है वो नैना नाम की टाइगर है सर, तो वो मिल सकते हैं इस एरिया में। और वहाँ जो देख रहे हो आप वो वाइल्ड बोर है। टाइगर का फेवरेट फूड जो है वो यही है वाइल्ड बोर। हाथी वाले उधर आ रहे थे, हाथी वाले आ रहे हैं पुरदल रोड पे, कॉल चले बता रहा था सनी। तो इस साइड से वो गाड़ी आ रही थी और उनको नहीं दिखा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पीछे कॉलिंग हुई है नाले के पास, तो वो कह रहे हैं कि अब पीछे चल के देखते हैं कि शायद वहाँ चांसेस हो सकते हैं कि वहाँ पर टाइगर। लेट्स सी। यहीं पर बैठी हुई थी क्या? यहाँ बैठी, आगे थी रोड में बैठी थी, यहाँ प्यास लगती है ना। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। एकदम शांत रहना पड़ेगा, कुछ बोल नहीं सकते आप सुनने के लिए। अभी हम शांति से सिर्फ सुन रहे हैं, कॉलिंग का वेट कर रहे हैं। अगर कॉल मिलता है यू नेवर नो, हम देख भी सकते हैं टाइगर। सिर्फ जंगल की आवाज सुनो आप।
तो अभी हम मतलब यहाँ वेट करेंगे और दोबारा जाएंगे वहाँ उस साइड। ये वाले ट्रेल में चल सकते हैं क्या अपन? ये वाले ट्रेल से अभी आई है गाड़ी, हम भी देख लें मतलब ट्राई कर लें अपन भी। तो चलते हैं अब इस ट्रेल पे। यहाँ पर निशान मिले हैं टाइगर। तो अभी जो गाइड साहब हैं हमारे, वो ये कह रहे हैं कि जो टाइगर है वो इसी एरिया में हो सकता है, बिकॉज कल भी यहीं पर दिखा था और आगे पंजे भी हमें मिले थे। तो चांसेस हैं कि वो इसी एरिया में। तो ये जो थे पंजे वो वहाँ पर लगे हुए थे, आगे हो सकता है। ये फ्रेश थे वो, इतने एरिया में होगा ना टाइगर, क्योंकि उसके निशान भी मिले हैं यहाँ पर हमें साइड में। तो इस एरिया में ही है टाइगर। हर्ष बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, हर्ष को हर चिड़िया की आवाज कॉल लग रही है। सबसे फनी वो होता है जब आपको भी नहीं दिखा है और सामने वाली जिप्सी को भी नहीं दिखा है, तो सामने वाली जिप्सी वाला भी पूछ रहा होता है, उसी नज़र से देख रहा होता है, क्यों दिखा क्या? हम भी उसी नज़र से देख रहे होते हैं, क्यों दिखा क्या? नीलम की एरिया है। अच्छा। अब टाइगर तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखना यह है कि हमारे नसीब में कौन सा वाला है। बत्तीस हजार 32,000 है स्पॉटेड डियर काना में। चीतल है ना ये? अच्छा भी कुछ लेपर्ड दिखे, ये पूरे ऊपर पेड़ में चढ़ जाते हैं। खेल रहे हैं ये, इतना मस्त हो चक रहा है।
बता रहे हैं कि जिस ट्रेल में हम पहले गए थे उसमें कल शाम को दिखा था, इसलिए सब लोग आज मॉर्निंग में उधर चले गए। इस रोड से कोई भी नहीं आया, जबकि यही रोड आगे जाके वहीं पर मिलती है सेम ट्रेल पे। शायद हम लोग फर्स्ट हैं आज के जो इस ट्रेल पर जा रहे हैं। टाइगर्स 100 प्लस हो चुके हैं, अब 118, तो काफ़ी संख्या है, लेकिन जंगल इतना बड़ा है कि एक भी स्पॉट कर पाना बहुत मुश्किल है। इतना सुंदर पेड़ लग रहा है, हाय 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 हाय, क्या बात। ये बंदर है, आवाज सुनाई दी है बंदर की। लग रहा है कि शेर हो सकता है यहाँ पर। सारी गाड़ियां देखो लाइन से लग गई हैं। आवाज आ रही है, आवाज है, मात नहीं देखा। काफ़ी देर एक जगह इंतज़ार करने पर और बहुत देर तक लगातार कॉलिंग होने पर हमें समझ में आ चुका था कि टाइगर यहीं कहीं नज़दीक में है। बस अब देर थी तो उसे देखने की, क्योंकि अब मेरे भी सब्र का बांध टूटा जा रहा था। हमारे आगे वाली गाड़ी को कुछ सनसनी समझ में आई और उनके एक इशारे पर हम भी उनके पीछे चल दिए। अंदर जा रहा है, पीछे वाला है वो।
कोई दिक्कत नहीं, जाने दे चलो वापस ही देख समझे भी नहीं कुछ मेरे को जाते हो मेरे को भी देखा पूरा जाते हो मेरे को जितनी बार मूव किया हां उतनी बार मुझे भी देखा। ऐसे हरे भरे जंगल में टाइगर आपके ठीक सामने भी होगा तो शायद आपको पता ना चले, लेकिन हम खुशकिस्मत थे कि हमने टाइगर को देख लिया। बहुत करीब से तो नहीं, लेकिन हाँ, मन को मोहने के लिए और तन में सरसराहट पैदा करने के लिए उसकी एक छोटी सी झलक ही काफ़ी थी। हम लोग को लग रहा है कि शायद वो अंदर से वॉक करके जो है वो बाहर निकल सकता है। हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेल पर, यहाँ से निकल सकता है शायद, तो वेट किया जा सकता है सिर्फ। अंदर तो देख लिया, यहीं पर उन्होंने बताया था, कॉल दी थी और यहाँ पर ही दिखाई दिया जाए और सबको यहीं पर ही मिला। क्लैप्स फॉर ड्राइवर अंकल एंड सही में मजा आ गया भाई। यहीं पर हुई थी कॉलिंग उसकी और पीछे जाकर हमें आगे बढ़कर मिला टाइगर। एक बच्चा नहीं, हाँ बताइए, ये लोग साथ में नहीं रहते क्या? आप बच्चे दीजिए, अलग हो जाएंगे ना, बताए ना आप। अच्छा अच्छा, हाँ हो जाएंगे 18 महीने ज्यादा हो गया, 2 साल के लगभग पूरा हो रहा है। हम लोग ने तो देख लिया टाइगर, ये देखो तो अब जा रहे हैं वापस। हाँ चलेंगे क्या थोड़ा सा? हाँ ठीक है, तो हम जा रहे हैं वापस सेंटर पॉइंट क्योंकि जितनी साइटिंग करनी थी वो तो कर ली और एक शेर का वेट किया था हमने, लेकिन अब वो मुझे लगता है अंदर जाकर बैठ गया है तो ज़्यादा देर तो वेट नहीं कर सकते, तो चलते हैं अब सेंटर पॉइंट देखते हैं। हाँ बताइए। तो आखिरकार हमने टाइगर देख ही लिया, कुछ चंद मिनटों के लिए ही सही, लेकिन उन चंद मिनटों में उसने हमें जीवन भर की यादें दे दी। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं सेंटर पॉइंट और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ का व्यू, तो ऐसा कुछ है ये सेंटर पॉइंट। देखो अपने भाइयों के साथ बिताए हुए अनगिनत राइड कंप्लीट कर लिए, हम जा रहे हैं होटल की ओर, बहुत मजा आया। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं बाद में दूंगा, अभी चलते हैं रूम रिजॉर्ट के। चलो
हे गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और फाइनली इट्स टाइम कि हम अपना रिजॉर्ट छोड़ें और घर चलें, बिकॉज़